भारतीय संस्कृति के अनुसार जब भी हमारे घर में कोई पूजा पाठ होता है या मंदिर में जब पूजा खत्म होती है तो हमारे हाथों पे एक लाल रंग का धागा बांधा जाता है जिसे मौली या कलावा कहते हैं। हिंदू धर्म में कलाई पर कलावा बांधने का रिवाज काफी युगों से प्रचलित है। कलावा बांधने के धार्मिक कारण ही नहीं बल्कि कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। दरअसल विज्ञान के अनुसार भी इसे बांधने से वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, लकवा, डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसे रोगों से बचने में भी कलावा बांधना काफ़ी मददगार होता है। आज मैं यहाँ पर लेकिन किसी वैज्ञानिक चीज़ों की जिक्र नहीं करने वाली हूँ, धार्मिक बातें आपसे बताने वाली हूँ। यदि आप काफ़ी समय से कोई संकट झेल रहे हैं तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर पंडित जी के द्वारा अपने हाथों पर कलावा बंधवा लीजिए। इसके बाद हनुमान जी के दाएं पैर का थोड़ा सा सिंदूर लेकर उसे कलावा पर लगा लीजिए। ऐसा करने से आपके सारे संकट समाप्त होते हैं। इसके अलावा यदि आपके घर में कोई कलेश, मनमुटाव, रोग, दुख काफ़ी समय से चल रहा हो तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको करना है एक छोटा सा काम जिसके द्वारा आप कई सारी समस्याओं से मुक्ति पाते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, यदि आपके घर में किसी भी तरह का कोई कलेश, मनमुटाव, रोग या दुख काफ़ी समय से चल रहा है और निवारण करने के बाद भी उसका हल नहीं निकल पाता है या वो समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है तो ऐसे में हनुमान जी के मंदिर चले जाएं। उसके बाद वहाँ आप पूजा कर लें। पूजा करने के बाद एक कलावा वहाँ से आपको घर लेकर आना है, जो आपको अमूमन पंडित जो वहाँ पर होते हैं, जो हनुमान जी के मंदिर में पंडित होते हैं, उनसे आप अनुरोध करें, वो आपको कलावा दे देते हैं। उस कलावे को आपको घर में लेकर आना है और इसे घर के मुख्य द्वार पर आप बांध दीजिए। इस काम को करते ही आप महसूस कर सकते हैं कि घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होना बंद हो गया है और घर में जो है ना, जो टेंशन का माहौल था, जो चिंता का माहौल बना रहता था, वो भी बंद हो गया है। घर में सुख और समृद्धि बनी है। इसके साथ ही यदि आपको बिजनेस में नुकसान का सामना करना पड़ रहा हो तो शाम के समय प्रदोष काल में, यानी कि जब शाम में सूर्य अस्त होता है तो वो जो लालिमा आकाश में दिखती है, ठीक उस समय घर के उत्तर पश्चिम दिशा में गाय के घी का दीपक जलाएं। मगर इस बात का ध्यान रहे कि दिए में रुई की जगह मौली के धागे का इस्तेमाल करें। इससे माता लक्ष्मी खूब प्रसन्न होती हैं। इससे आपके बिजनेस में भी खूब तरक्की होती है। इस उपाय को करने से यकीनन आपके घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और आपके सारे दुखों का अंत होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी बहुत सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।